हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए त्योहार के लिए सब तैयारियों में आजकल लगे हुए हैं। तो फिर हर किसी के दिमाग में यही बात होती है कि कौन सा रेसिपी तैयार किया जाए इस बार, जो कि कुछ नया हो। तो फिर इस त्योहार पे आप क्या बना रहे हैं? तो चलिए मैं एक आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि मसाला ओट्स से यहाँ तैयार होने वाली है। तो ये रेसिपी है आपको मसाला ओट्स मेथी मछली। तो चलिए फिर इसके लिए क्या तैयारियां हमें करनी है वो भी देख लेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स को शेयर करिए, ताकि हमारी रेसिपी लोगों को मालूम चले। बहुत ही यूनिक रेसिपी है ये। तो शुरू करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मैंने दो तरह की मटरी बनाई है, जो कि एक ही डो से तैयार की गई है। तो फिर आप एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए ये मटरी आप बहुत ही अच्छी बना के तैयार कर लेंगे। तो फिर अच्छी बना के तैयार कर लेंगे तो फिर चलिए इसका रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप मसाला ओट्स ले लिया है, क्लासिक मसाला ओट्स। तो ये 1 कप है और ये 1 कप है। तो दोनों को मिक्सर में डाल के मैं ग्राइंड करूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने ग्राइंड कर लिया अच्छे से। अब यहाँ पे मैंने ये मेथी ले ली है, जो कि अभी बहुत अच्छी आ रही मार्केट में। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, ये 1 कप है। और 3-4 पानी से अच्छे से धो के मैंने इसका पानी निकलने के लिए छन्नी में रख लिया है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती ले ली है, इसे भी मैंने धो के पानी निकलने के लिए रख दिया था। और मेथी छोटी छोटी पत्तियां ही लेनी है और इसे भी मैं बारीक काट के रख लूंगी। और यहाँ जो धनिया पत्ती ली है, इसे भी हम बारीक काट लेंगे। मैंने पैन गरम होने रख दिया था, तो इसमें 1 स्पून मैंने तेल डाल दिया है। तो मैं ये मेथी डाल दूंगी। इसे हम 1 से 2 मिनट थोड़ा नरम होने तक पका लेंगे। और यहीं पे मैं इसे धनिया पत्ती ऐड कर दूंगी और इसे भी बस थोड़ा सा नरम होने तक पका लेना है। 1 से 2 मिनट में भून जाएगा, बस थोड़ा सा नरम करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी। और यहाँ मैं बता दूँ, इसे इसलिए भुना जाता है ताकि जो भी इसके रेसे हैं वो नरम हो जाएंगे और आटे में से नहीं निकलेंगे। चलिए आइए पकड़ो से देखने। अब मैंने जो मसाला ओट्स पीसा था उसे छनी कर लिया है। देख सकते हैं आप, ये जो मोटे पार्ट हैं वो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर आटा फटेगा। तो इसलिए मैंने इसे छनी कर ली है। ये मैंने अजवाइन ले लिया है, इस तरह से इसे क्रश करके इसमें हम डाल देंगे। यहाँ पर मैंने ये 1/2 स्पून सादा नमक और काला नमक मिला के पीसा हुआ है, तो ये ले ली हूँ। और इसमें काली मिर्ची भी है, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया है 1/2 स्पून। यहाँ पे 1 बड़ा स्पून मैंने तिल ले लिया है, इसे डाल दूंगी इसमें। यहाँ मैंने 1/2 स्पून एक कलौंजी ले ली है। अब यहाँ मैं 3 से 4 स्पून मैं तेल डालूंगी। और नमक इसलिए मैंने कम डाला क्योंकि ये मसाला ओट्स है, तो इसमें पहले से भी नमक है, तो इसलिए मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर डाल सकती हूँ। इस तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मुट्ठी बननी चाहिए इसकी। अब यहाँ मैंने 1/2 कप गेहूं का आटा ले लिया है, तो पहले उसे अच्छे से मिला लेने के बाद ही मैं इसमें आटा डालूंगी। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से। इस तरह से देखिए हमारी डो जो है वो मुट्ठी बन रही है, ये अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा डो तैयार करूंगी, जो ना ही ज्यादा नरम होगी और ना ही ज्यादा कड़क होगी। तो इस तरह से ये थोड़ा और पानी लगेगा इसमें। इस तरह से आटा मैंने लगा दिया है। अब इसे मैं क्या करूंगी, 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी और फिर इसे एक बार मिला लेंगे। तब तक हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। ये घी मैंने 4 चम्मच ले लिया है और यहाँ पे मैं 3 स्पून कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। इस तरह से इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है, इसे साइड में हम रख देंगे। तो 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं एक बार आटा को फिर से अच्छे से मिला लूंगी। अब यहाँ पे मैंने ये आटे की गोलियां तैयार कर ली हैं, पूरे 12 गोलियां मैंने तैयार की हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। इस तरह से हमें बेल लेनी है रोटियां। इसी तरह से सारी रोटियां हम बना के यहाँ पे तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं
और अब ये जो मेरे पास पेस्ट है ये कॉर्नफ्लोर और घी का, तो इसे मैं इस पे अप्लाई करूंगी अच्छे से, इस तरह से इसके हमें अच्छे से स्प्रेड कर देना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। उंगली से हम लगाएंगे तो बेटर लगेगा ताकि सारी लेयर हमारी खुल के आएंगी। और ये साइड से इस तरह से बिठा देना है और फिर से इस पर से ये लेयर हमें लगा देनी है। वही सेम प्रोसेस हमें करना है। ये रोटी रख के, ये तीन रोटी मैंने इसके ऊपर लगाई है और ऊपर से ये पेस्ट फिर से लगा देनी है हमें। तो ये तीन रोटी का लेयर बन चुका है। अब इसे मैं क्या करूंगी, इस तरह से बिठाते हुए हमें रोल कर लेना है, दबाते हुए साइड से इस तरह से मैंने रोल कर लिया। सारे रोल मैं बना के तैयार कर लूंगी। तो इस तरह से देखे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये चार रोल बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलिए आगे इसे क्या करना है हम कर लेते हैं। इस तरह से मैं पहले साइड का ये काट के हटा दूंगी और फिर ये पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसे कट करके अलग कर लिया मैंने। इस तरह से सारे हमें काट के रख लेने हैं। अब मैंने यहाँ पे ये गोली ले ली है और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे हम, और इस तरह से हल्के हाथों से ही इसे हम बेल लेंगे। इस तरह से हमें सारे बेल के तैयार कर लेने हैं इस तरह। इस तरह हल्के हाथों से हम, ना मोटी है ना ही पतली है, इस तरह से हम बेल के तैयार कर लेंगे। मैंने तेल गरम होने रख दी है। अब इसे मैं ये मीडियम फ्लेम पे ही मैंने गरम किया है, फिर छोड़ दूंगी। एक बार में बहुत ज्यादा ना डाले। इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलेंगे थोड़ा, जब तक एक तरफ से सिक ना जाए, नहीं पलटेंगे हम, नहीं तो ये टूट जाएगा। इसे हल्के हाथों से ही पलट लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लेयर बना है इसमें हमारे ओट्स की मटरी में। इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे हम। अच्छे से क्रिस्पी बनेगी ये। ये देखिए फ्रेंड्स, तल चुकी है ये। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। फ्राई हो चुकी है ये, देखिए कितनी क्रिस्पी बन चुकी है ये, देखने से ही लग रहा है। तो इसी तरह से सारे हम एक एक करके तल के निकाल लेंगे। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही रखिएगा, मीडियम टू लो करते रहिएगा। मेरे पास ये आटा बच गया था, उसका मैं एक अलग तरह से नमकीन बना लूंगी। तो इसे क्या करेंगे, इस तरह से मैंने डो को लंबा कर दिया है मिला के, और इस तरह से इसे कट करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कितनी अच्छी शेप आई है इसकी बिना किसी मेहनत के। और इस तरह से सारे हमारे शेप तैयार हो जाएंगे। हल्का सा चला देंगे हम ताकि हर तरफ से ये तल जाएगी। वैसे गोल्डन ब्राउन हो रही है ये, ऐसे घुमाते हुए इसे हम तल लेंगे फटाफट से। निकाल लेते हैं हम तेल में से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तल चुकी है ये पूरी अच्छे से, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी मटरियां हम तल के निकाल लेंगे। इसी तरह से सारी हमें तल के निकाल लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितने क्रिस्पी दिख रहे हैं हमारे मसाला ओट्स और गेहूं के आटे की मेथी मसाला मटरी। तो देखिए कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत ही टेस्टी है ये। तो आप भी इसे ट्राई करें। और यहाँ पे मैंने ये दो तरह की बना ली एक ही डो से। देखिए कितना अच्छा इसका भी शेप तैयार हो गया बिना किसी झंझट के, बेलना काटना कुछ भी नहीं है। इस तरह से तैयार हो गया इसका शेप। और देखिए कितनी खस्ता है ये। तो इस तरह से आप भी तैयार करें। तो इस
मसाला ओट्स मेथी मटरी को आप भी ट्राई करें और बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।